वो सब होके रहेगी, ये चिंता वाजिब है आपकी। जो रीट के अंदर हुआ ऐसी घटना आपके वक्त में हुई 3 बार, केंद्र सरकार के मंत्रालय में हुई है, डिफेंस में हुई है, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, सब जगह हुई है। जो हालात जैसे बन गए हैं, जो माहौल बन गया है, उसमें लोन फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, हाका बचावा है बेरोजगारी का लेकर के, हमें चिंता करनी चाहिए सब कुछ, ये क्यों ऐसी गैंग पैदा हो रही है। पर आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा, उसको सरकार ने बहुत लिया गंभीरता से, उसी रूप में हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर कैसे भविष्य में कोई ऐसी नौबत नहीं आए। हालांकि उसको आंकड़े उस वक्त दिए जा रहे थे कि लाखों लोगों को 145 नंबर आ गए, 150 में से सब कहते हैं, जो परसों परिणाम आए हैं लेवल फर्स्ट के, वो सब झूठे आंकड़े थे, लोगों को भड़कने वाले थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये चिंता करना पक्ष विपक्ष का मैं समझता हूँ दायित्व भी है, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। हमने 25 लाख बच्चे थे, उनके लिए सब अच्छे इंतजाम किए, सब के लिए आह्वान के एनजीओ को, उनके सहयोग से भी हमने अच्छा इंतजाम किया, हमारे रहने खाने पीने के लिए भी बच्चे फ्री रखी सबके, उनके लिए ऐसी घटना हो गई वो आपका परीक्षा रद्द करना पड़ा है। उस बात का मुझे आज भी दुख है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं पास हो रहे थे, उनको दुख होता है कि हम पास हो रहे थे, पता नहीं अब आगे क्या।